जान लीजिए फिल्म हाई टाइड क्या किस प्रकार की फिल्म है और किस प्रकार की कहानी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हाई टाइड फिल्म को लेकर? हाई टाइड एक सस्पेंस थ्रिलर है, मैं इसको सस्पेंस थ्रिलर के अलावा बोलता हूँ कैलेस्ट्रोफोबिक थ्रिलर, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आप काफ़ी कैलेस्ट्रोफोबिक फील करेंगे। सर्वाइवल ड्रामा है, एक आदमी की कहानी है कि किस तरह वो एक डार्क सिचुएशन में फंसता है और वो कोशिश करता है निकलने की। लोग उसकी बात को समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो पूरी फिल्म वो एक सर्वाइवल ड्रामा है शुरू से लेकर आखिर तक। फिर उसका क्या होता है, बचता है मर जाता है, जो भी है वो कहानी है। हाँ, क्योंकि ये काफ़ी, अगर आप फिल्म देखेंगे तो ये काफ़ी सफोकेटिंग है अपने आप में, तो वो शूट करना भी उतना ही सफोकेटिंग है उसके अंदर। या आप जब एक छोटे से क्लोजेट के अंदर आप शूट कर रहे हैं उसको, तो सांस तो वहाँ पे भी लेना मुश्किल हो जाता था, और वो उसको वो भी उसके साथ, क्योंकि ये सब काफ़ी लंबे दिन तक चला है, तो एक दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 20-25 दिन उस डब्बे के अंदर ही शूट करा। और शूट करने के साथ जब डायरेक्शन भी करना है आपको, उस डब्बे में घुसने के बाद फिर निकल के जाके वापस चेक करना है कि जो हो रहा है वो कैसा हुआ है, क्या है, फिर वापस जाके उसको अगर रीटेक करना है तो फिर घुसे, फिर वापस कर रहे हैं, तो इट्स इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट आल्सो। बतौर एक्टर चैलेंज रहा आपको कि बतौर डायरेक्टर आपको चैलेंजिंग रहा? देखिए, एक्टर वाले चैलेंजेस तो सालों से लेते आ रहे थे, तो वो आदत में आ गया था, तो वहाँ तो वो वाली कोई ऐसी इशू था नहीं। डायरेक्शन के लिए ये मेरा थोड़ा सा करें हैं मैंने डायरेक्शन पहले, लेकिन एक फुल फ्लैश फीचर फिल्म पहली बार करी, तो इंटरेस्टिंग चैलेंजेस थे, ऐसे कोई परेशान करने वाले चैलेंजेस नहीं थे। कभी कोई ऐसी सीन चल रही है जहां आप भूल गए हो कट बोलना या किसी तरीके का कोई वाकया को शेयर करना चाहेंगे कि हाँ कहीं इम्पोर्टेंट सीन था कट करना या रोल करना भूल गया ऐसे एक्टर, क्योंकि दोनों आपको किरदार निभाना है, एज ए डायरेक्टर भी आपको निभाना है, एज ए एक्टर भी आपको निभाना है, मल्टीटास्किंग में अच्छी कर लेता हूँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहीं फंसे गए, ये भूल गए या वो हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स में, क्योंकि हम यूपी में शूट कर रहे थे, जंगल में शूट कर रहे थे, तो एक दिन अचानक पता चला कि सांप निकल आया उसके अंदर डब्बे के पास से, अब वो उसके बाद डर ये लग रहा था कि एक निकला है कहीं दूसरा कहीं डब्बे में नहीं बैठा हो, तो वो एक बार पूरा ढूंढा दिखवाया और सांप को बड़े केयरफुली वापस ले आकर जंगल में छोड़ा। मैंने कहा कहीं मार मत देना उसको, कहीं चोट ना लगे उसको, इस टाइप के इंसिडेंट्स में, बाकी ऐसी गलतियां नहीं हुई। हाँ, मतलब भोले बाबा आपको आशीर्वाद देने आए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, प्रसाद जी आप क्या कहना चाहोगे, एज ए बतौर प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हो आप, कितना चैलेंज रहा और क्या कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं? हाई टाइड, हाई टाइड सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वही अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसी फिल्में बन रही हैं अभी आजकल रोमांटिक, तो उस तरह का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट। तो इसमें जो है गाने का भी की भी सिचुएशन बहुत अलग ही सिचुएशन जो सर ने नैरेट करी, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट वो गाना हुआ और अच्छा हुआ। फिर मेरा वही सवाल रहेगा, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर और बतौर प्रोड्यूसर जी, कितना चैलेंज रहा दोनों को कंपेयर में रख दिया? म्यूजिक डायरेक्शन तो खैर मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, बाकी एज अ प्रोड्यूसर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो बहुत चैलेंजिंग भी था इतने कम टाइम में इतनी ऐसी ऐसी लोकेशंस पे शूट करना इतने ऐसे एनवायरनमेंट में, तो बट दैट वाज वेरी गुड। म्यूजिक के बारे से बता जाएंगे कितने गाने और सिंगर कौन? फिल्म में एक ही गाना है जिसको कृष्णा बेवरा ने गाया है और शकील आजमी साहब ने लिखा है। गाने का मूड क्या है? ये फिलोसफिकल ट्रैक है, अगेन जैसा फिल्म का सब्जेक्ट है उसी तरह से ही ये गाना भी अलग ही है। मैं आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार का आपका किरदार और कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को रिलीज पे आई है। ऐसे कलाकार बड़े बड़ा दिन होता है जब ये फिल्म हमारा किया हुआ काम लोग सराहते हैं या पर्दे पर आता है लोग देखने वाले हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली अलग है, ऐसा कोई कैरेक्टर मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया था। जब इमरान जी से मेरी बात हुई तो इमरान जी ने मुझे बोला देखो ऐसा ऐसा करना है, तो इस टाइप का कैरेक्टर है, तो पहले मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो कहना क्या चाहते। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि देखो मेघा ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैंने बोला सर आप कर रहे हैं तो फिर अभी और कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी यूएसपी इस फिल्म की है कि ये फिल्म अलग है, जैसे आप देखेंगे जैसे रिलीज़ के बाद तो आपको ऐसी फिल्में देखने मिलती नहीं है जनरली, तो बस यही है। नहीं, अलग क्या है, रॉकेट साइंस से? वही तो कह रही हूँ, फिल्म अलग है, फिल्म का सब्जेक्ट अलग है और सारी चीज़ें जो है अलग तरीके से शूट की गई है।
जब आप देखेंगे तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी ना. जैसे इमरान जी ने कहा कि फिल्म को शूट करना इतना इजी नहीं था बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग अ एक्टर, क्योंकि वही मेन लीड कर रहे थे. तो जैसे आप पर्दे पे फिल्म को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्यों अलग है. मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये, सो इट वॉज वेरी डिफरेंट. जनरली ऑल्सो मूवी बहुत डिफरेंट है, स्टोरी बहुत डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से प्लान करना सोचना बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. काफ़ी डिफरेंट था. क्या कुछ डिफरेंट डिजाइन किया था कॉन्सेप्ट को लेके, उसको उसको डीपली में थोड़ा सा बताया? इसका बड़ा खूबसूरत लग रहा है डिजाइन पोस्टर. यूजुअली बॉलीवुड में आप कलरफुल कपड़े देखते हैं, थोड़ा लाइटली कपड़े देखते हैं, इसलिए इट्स अ फास्ट पेस मूवी है, तो उसमें थोड़ा डल होती शेड्स होता है, प्लस कॉन्ट्रास्ट भी होगा. प्लस यू नो वो उनका बैकग्राउंड हमेशा ब्राउन डार्क सा है, सो उस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट करना वो सब था, तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. काफ़ी और बड़ी बड़ी फिल्में इस मौके पर रिलीज हो रही हैं, अपेक्षाएँ हैं? देखिए हर फिल्म का एक अपना ऑडियंस होता है, हर फिल्म लोगों के अपने फिल्म टेस्ट, फिल्म को देखने के टेस्ट होते हैं. तो ये एक उस तरह का थ्रिलर है और लोग आजकल कंटेंट के ऊपर जाते हैं. इसके इसके जो स्टोरी है वो बड़ी यूनिक स्टोरी है, कोई ऐसी कहीं से उठाई उठाई और कोई रिपीटेड स्टोरी या फार्मूला बेस्ड फिल्म ये है नहीं, तो इसलिए उम्मीदें तो काफ़ी हैं इससे. और